बच्ची का इलाज कराओ, इलाज कराओ, इलाज कराओ। अगर बच्ची की जिंदगी के साथ कुछ होता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की होगी, क्योंकि ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है। आखिर कैसे रुकेंगे ये रेप? हम कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर एक दरिंदगी का मामला सामने आ जाता है। कि सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि नवरात्रों के दिनों के बीच में जब हम लोग देवी माँ को पूछते हैं, कन्या पूजन कल है, परसों होने वाला है, दिल्ली के अंदर लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ। ये बच्ची भी 7.5-8 साल तक की बच्ची है सिर्फ। और कहाँ हुआ है रेप? जो शौचालय है उसके पीछे। इतना अंधेरा, रात के अंधेरे में बेटी को बड़गलाकर वहाँ पर ले गया और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। दिल्ली में किसी को कोई चिंता ही नहीं है कि बेटियों की आबरू लगातार उड़ती जा रही है, कि कोई कम से कम उनकी तरफ देख ले और उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाए। बच्ची के माँ बाप इस बात से चिंतित हैं कि बच्ची को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बच्ची का अभी भी ब्लड फ्लो नहीं रुका है, उनका ये कहना है। और हम सिर्फ MS से मिलना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि उसका कंडीशन क्या है। देखिए, दिल्ली सरकार का अस्पताल है बाबू जगजीवन राम अस्पताल, और दिल्ली सरकार के अस्पताल में MS तक नहीं है इस टाइम पर। हम यहाँ पे कम से कम 2 घंटे से हैं और 2 घंटे से पहले भी यहाँ पर MS नहीं था। तो जिस अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही शाम के 4 बजे तक निकल जाते हैं, किसके पास आप गुहार लगाएंगे? CMO को हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, अब जाके CMO हमारे हाथ आए हैं, और तो उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर किस केस में और किसकी बात कर रहे हैं हम। रात को बच्ची एडमिट होती है और आपको यही नहीं पता कि इस अस्पताल में कोई ऐसा केस भर्ती हुआ है, और माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम अंदर पीड़िता से नहीं, हम माँ से मिलना चाहते, क्योंकि माँ बच्ची के साथ बैठी हुई है, जानने के लिए कि उनको कैसी संतुष्टि लग रही है, नहीं लग रही है। उनको बंदी बनाकर बैठे हुए बोल रहे हैं कि सखी कोई NGO है वो कहेगी तो माँ से मिल सकते हैं। मतलब कोई तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली के अंदर, कि कोई किसी से मिल भी नहीं सकता, किसी का दुख भी नहीं बांट सकता, किसी की सहायता करने के लिए नहीं आ सकता है। यहाँ लगातार लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब CMO साहब ने थोड़ा सा टाइम निकाला, अंदर जाकर मिलकर आए तो बोल रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन हम फिर से कहना चाहते हैं, कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर उस बच्ची के परिवार से मिलने के लिए सिर्फ इसलिए आया है कि बच्ची को सही ट्रीटमेंट मिले। अगर ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं अच्छा मिलता है तो उसको AIIMS रेफ़र किया जाए, क्योंकि अगर बच्ची की ज़िंदगी के साथ कुछ होता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की होगी, क्योंकि ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है। उस दरिंदे को फांसी दे देनी चाहिए, और जितने भी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उनको यहाँ आना चाहिए, केजरीवाल को यहाँ के अपने जो विधायक हैं उनको भेजना चाहिए, उनकी बातचीत पूछनी चाहिए, क्योंकि वो इतने गरीब आदमी हैं कि वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी बाहर करने के लिए भेज रहे हैं। तो कृपया केजरीवाल जी जागिए और यहाँ के विधायक को भेजिए, लड़की सबकी एक होती है। तो मैं आपसे यही इसी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे गरीब की लड़की हो चाहे अमीर की लड़की हो, उसे उसके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। सबसे सोचने का विषय तो यही है कि एक तरफ मात्र 2 दिन बाद हम उन छोटी छोटी कंचकान को ढूंढ के लाएंगे और अपने घर में उनकी पूजा करेंगे, उनके पैर धोएंगे और फिर उनको अपने यहाँ से विदा करेंगे। वहीं एक ऐसे हैवान इस समाज में बैठे हैं कि जो देखते ही नहीं है कि मात्र 5 साल की बच्ची, वैसे कह दिया जाता है कि लड़की ने अगर कपड़े अच्छे नहीं पहने, कि जी लड़की की गलती थी। इस लड़की की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी गलती थी कि वो लड़की थी, वो किसी गरीब बाप की बेटी थी या किसी ऐसे परिवार से थी, मात्र इतना। और आज जो हमने बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में आके देखा, डॉक्टरों का बर्ताव बिल्कुल 0, नदारत, एक से किसी से मिलने की कोशिश करी, हमने कहा कि बच्ची से नहीं मिलेंगे, इन्फेक्शन का खतरा है। उसके बाद हमने कहा कि माँ से मिला दीजिए, माँ को एक NGO का ऑर्डर है कि आप हमारी बगैर परमिशन के, अरे वो माँ है, वो किसी से भी मिल सकती है। एक माँ का दर्द आप क्या समझेंगी? माँ की पीड़ा एक माँ समझेगी। मैं एक माँ बन के उस बेटी से मिलने आई, उस बहन से मिलने आई थी कि काश उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों इसके लिए जिम्मेदार है, केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है और हॉस्पिटल प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके लिए। बच्ची का इलाज कराओ, इलाज कराओ, इलाज कराओ।
बच्ची का इलाज कराओ, इलाज कराओ।